हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। आज का टॉपिक है कोरोना वायरस एक तरह का भयंकर वायरस है जिसे हम सार्स कहते हैं। सार्स का मतलब है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो वायरस है ये अपना बहुत घातक वायरस है। इसके कारण लोगों को सांस में दिक्कत आती है। इसमें कॉमन फ्लू जैसे लक्षण होते हैं जो कि आपके नाक में, मुंह में, गले में, छाती में आपको ग्रस्त करता है। अगर आप इस पर ध्यान ना दो तो ये सीवियर फॉर्म अक्वायर कर लेता है। इसीलिए इसे SARS वायरस कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका मतलब है कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप इस वायरस के संक्रमण को टाइम से अगर ना निपटो तो ये निमोनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ चले जाएगा, जिसके कारण कि लोगों में डेथ भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है अगर वो सांस ना ले सके तो। इसमें अभी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं वो पूरी दुनिया में 132 लोग इससे ग्रस्त हैं। इसका जो टेरर है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये मेनली पहले चाइना में था जहाँ की इलीगल वाइल्ड लाइफ जो स्नेक्स वगैरह को लोग खाते हैं उनसे ये आदमी में आया, क्योंकि ये ज़्यादातर वायरस जानवरों में पाया जाता है। ये पहले भी जानवरों में पाया जाता था, जैसे कि इसका दूसरा नाम है MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये मिडल ईस्ट में उन लोगों में पाया जाता था जो कि कैमल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मगर ये अब जो इस बार इस वायरस में क्या हुआ है, ये वायरस इस बार बहुत खतरनाक हो गया है। WHO की खास स्ट्रिक्टली एडवाइजेज है इनको इससे बचने के लिए। ये वायरस खतरनाक हो क्यों रहा है? खतरनाक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वायरस बार बार म्यूटेशन कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। जो पिछली दवाई इसमें काम करने लग पड़ती है फिर वो काम नहीं करती, इसलिए सभी एंटीवायरल दवाइयाँ इसमें फेल हो चुकी हैं, क्योंकि जो इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके कारण इसे कोरोना वायरस कह रहे हैं उसकी शेप बार बार म्यूटेशन के कारण बदल रही है। और ये ग्रस्त किसको करता है? ये ग्रस्त ज़्यादा कर रहा है बच्चों को, बूढ़ों को, जिनकी की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधी शक्ति कम हो। अब इन लोगों की रोग प्रतिरोधी शक्ति कम है बच्चों में क्या होगा? खांसी जुकाम इतनी सीवियर हो जाएगी जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आएगी और ये बच्चे सांस ले नहीं पाएंगे तो अल्टीमेटली उनके जीवन के लिए घातक हो जाएगा। ऐसे ही ये बूढ़ों के लिए कर रहे हैं। जवान लोग सिर्फ तभी ग्रस्त हो रहे हैं जिनकी की इम्यूनिटी बहुत लो है। अब इम्यूनिटी लो है तो आपने क्या करना है? इम्यूनिटी सबसे पहले तो आपने विटामिन सी वाला खाना है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो विटामिन सी बूस्ट करने के लिए आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हो या क्या क्या कर सकते हो? तो विटामिन सी देखो सबसे अच्छा जो मिलता है आंवले से मिलता है। आंवला आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति बढ़ाता है तो आपको प्रतिदिन एक आंवला खाना चाहिए। इसके अलावा कीवी में विटामिन सी भरा होता है तो कीवी का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपको इम्यूनिटी आपकी खांसी जुकाम से आपको बचा सके। और इसके अलावा आप नींबू भी ले सकते हो, आप किन्नू भी ले सकते हो, आप मौसम्बी भी ले सकते हो, मगर कीवी सबसे बढ़िया चीज़ है अगर आप एंटीवायरल प्रोडक्ट लेना चाहते हो। इसके अलावा एक देसी नुस्खा आपको समझा रहा हूँ, आप प्रतिदिन एक चम्मच आप पानी में शहद डालकर, थोड़ी सी अदरक डालकर और आधा नींबू निचोड़कर डेली एक गिलास पियो, इससे आपका संक्रमण रुकेगा। अब इसके बाद आपने प्रिकॉशन क्या करने हैं? प्रिकॉशन में आपने कभी भी किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना जिसको खांसी जुकाम या बुखार जैसे लक्षण हो, आपने उनसे दूरी बनाकर रखना है। दूसरा, जब भी आप घर से बाहर जाते हो आपने रुमाल या सिंपल ऐसा मास्क मिलता है हर मेडिकल में, आपने प्रतिदिन एक नया मास्क लेकर डेली यूज करना है। ये तो सिंपल मास्क है, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो सेहत को बचाने के लिए 3-5 लेयर मास्क आता है वो स्पेशल सार्स के लिए आता है, आप वो भी खरीद सकते हो। वो आपको मुश्किल से मिलेगा मगर आप अगर अच्छी जगह ट्राई करो तो आपको मिल सकता है, ऑनलाइन तो बहुत आसानी से मिल जाएगा।
उसके बाद क्या है कि मास्क से या तो फेस कवर कर आपने जाना है, हाथ नहीं तो ऐसे हाथ रख कर जाओ अगर आपको कोई लगता है बंदा खांस रहा है, वरना आपने एक रुमाल इधर पकड़ कर जाना है, रुझा रुमाल बांध लेना अपने मुंह पर। इसके बाद आपने एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से दूरी बना कर रखनी है। एनिमल प्रोडक्ट ना आपने खाने हैं, ना आपने एनिमल्स कोई बीमार है उसके पास जाना है, क्योंकि कोरोना वायरस प्राइमरली जानवरों को ग्रस्त करता है, जानवरों से होते हुए ये इंसान को ग्रस्त करता है। अब आता है रोल होम्योपैथी का। अब होम्योपैथी में हम लक्षणों पर डिपेंड करते हैं, अगर आपके लक्षण आपको कोरोना वायरस की तरफ बता रहे हो तो हम वो लक्षण के बेस पर दवाई देते हैं। जैसे कि मान लो किसी को कोरोना वायरस हुआ, उसका जो सिर है उसमें उसको गर्मी लग रही है और शरीर में ठंडी लग रही है, और उसको बार बार दो दो मिनट में प्यास लग रही है, उसका गला सूख रहा है, यानी कि गले को भी कोरोना वायरस ने ग्रस्त कर दिया, और वो बंदा बेचैन है, इधर से उधर घूम रहा है, तो इन व्यक्तियों में आप आर्सेनिक दवा यूज कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी दवा है वो है ओसिलोकोक्सिनम। ओसिलोकोक्सिनम भी जो दवा है ये मेन दवा मानी जाती है, जो कि सार्स टाइप के वायरस में हम यूज करते हैं। जिन लोगों को सांस में दिक्कत होती है तो उन लोगों में हम ओसिलोकोक्सिनम मेडिसिन यूज करते हैं। इसके बाद जो तीसरी दवा है, अगर आपका मान लो आपका जुकाम खांसी और ये कोरोना वायरस ने अपने गले को आपके प्राइमरली रोक दिया, तो आपने स्ट्रेप्टोकोक्सिनम होम्योपैथी दवा है ये यूज करनी है। ये अगर आपका गला ग्रस्त है और आपको हाई फीवर है, बुखार है, तो आप स्ट्रेप्टोकोक्सिनम या डिप्थीरिनम भी दवा है वो भी यूज कर सकते हो, अगर आपको तो स्ट्रेप्टोकोक्सिनम दवा ना मिले। अब इसके बाद जो अपनी दवा है, अगर आपको छाती में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, सांस लिया ही नहीं जा रहा और आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रही है, तो आप लुफा ऑपरकुलर एटा नाम की दवा यूज करो, इससे आपकी सांस की दिक्कत को आराम मिलता है। ये सभी दवाइयां अगर आपने लेनी है, अगर तो देखो बुखार आ चुके हैं या इन्फेक्शन आ चुका है तब तो आपने इसको 200 में लेना है, 200 में आपने रिपीट करना है, एक ही डोज आप 3 बार रिपीट करो और दिन में आप 3 बार ले सकते हो। अगर बुखार नहीं आया, आपने प्रिवेंटिव तौर पर कोई भी दवा लेनी है कि हाँ आपको कोरोना वायरस ना हो, तो इन्फ्लुएंजिनम नाम की एक होम्योपैथी दवा आती है। ये जब भी हम कहें SARS कैटेगरी के वायरसेस फैलते हैं तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके थ्रू इन दवाओं का प्रचार किया जाता है। अभी भी गवर्नमेंट कह रही है कि सिम्टोमेटिकली कोरोना वायरस का यूनानी और होम्योपैथी वाले इलाज करें। मोदी जी ने भी गवर्नमेंट में इंस्ट्रक्शन दी है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है उनको सिम्टोमेटिकली इलाज के लिए ये अपना होम्योपैथी या यूनानी वालों की तरफ भेजा जाए। इसके लिए हम मोदी जी के बहुत शुक्रिया करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों यहाँ पर खत्म हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ लाइक का बटन है, अगर आपको वीडियो लाइक करे तो उसे लाइक करिए। कमेंट का बटन है, अगर कुछ भी आपने पूछना है, अगर कोई आपके घर में ग्रस्त है तो इसको ध्यान से वीडियो को देखिए। कोई क्वेश्चन है आप फोन भी कर सकते हो, मगर फोन करने का शाम को टाइम है 8 से 10, उससे पहले मत करिए। ओके।